जंगलों में बारूद की बदबू को तलाशा जा रहा है। पूरी फौज यहाँ बारूद के बुरादों को बारीकी से ढूंढ रही है। कई घंटों तक जंगलों में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला। नक्सलियों की गढ़ कहे जाने वाले जंगलों में जब खाकी ने दस्तक दी, तब किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहाँ क्या होने वाला है। यह तस्वीर करीब 25 दिन पहले यानी 12 अगस्त 2020 की है। इलाका है मुंगेर का नक्सल प्रभावित धरहरा और लरैयाटार। जंगलों और पहाड़ों के बीच मुंगेर की पुलिस कप्तान लिपि सिंह की टीम 12 अगस्त को जो कर रही थी, उसका परिणाम 5 सितंबर को सामने आया। हथियारों की इतनी बड़ी खेप नक्सलियों के मंसूबे को जगजाहिर करने के लिए काफी है। जंगलों और पहाड़ों में मांद के भीतर छिपे नक्सलियों को आईपीएस लिपि सिंह ने कैसे बाहर निकाला और कैसे नक्सलियों की पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह गई, इसकी पूरी कहानी हम आपको इस खबर में बताने जा रहे हैं। भाकपा माओवादी संगठन की बढ़ती सक्रियता जो कि जिले में खड़गपुर और श्यामपुर एरिया में देखी जा रही थी, सूचना मिली कि वहां पर हथियार और आर्म्स और एम्युनिशन की आपूर्ति की जाने वाली है। इसके बाद एसटीएफ और एसडीपीओ तारापुर की नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया तथा पुलिस के द्वारा एक संगठित छापामारी की गई। मुंगेर पुलिस के एक ऑपरेशन में शनिवार को 8 नक्सलियों और उनके 2 मददगारों को गिरफ्तार किया गया। हथियारों का जखीरा और डेटोनेटर तक बरामद किया गया, लेकिन इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना इतना आसान नहीं था। गिरफ्तार नक्सलियों में हार्डकोर नक्सली पुनीत मंडल और नक्सलियों को हथियार एवं गोलियों की आपूर्ति करने वाले पूर्व नक्सली डब्लू चौरसिया भी शामिल है। प्रमुख नक्सली इनमें जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें से नित्यानंद चौरसिया और डब्लू चौरसिया, इसका इस संगठन से करीब 10 वर्ष से ऊपर से संबंध रहा है। करीब 1 महीने पहले ही एसपी लिपि सिंह को खबर मिली थी कि भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर बहादुर कोरा द्वारा नए युवकों को संगठन में जोड़ने एवं हथियारों एवं विस्फोटक सामग्री जमा करने की साजिश चल रही है। एसपी के निर्देश पर तारापुर डीएसपी पंकज कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम में सांपुर ओपी अंतर्गत भैंसा कुल जखराज थाना मोड़ पर घेराबंदी की। पुलिस को सूचना मिली थी कि भाकपा माओवादी के लिए विस्फोटक एवं अन्य घातक हथियार लेकर लोग ऋषिकुंड पहाड़ पर आने वाले हैं। इन हथियारों एवं विस्फोटकों को नक्सली एरिया कमांडर बहादुर कोरा को सौंपा जाना था। भैंसापुर जखराज स्थान के पास छापेमारी दल में शामिल सभी पुलिसकर्मी एम्बुश लगाकर बैठे रहे और नक्सली समूह के सदस्यों के आने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान गणराचक की ओर कुछ लोग आते दिखे। एम्बुश लगाकर बैठे पुलिस और एसटीएफ के जवानों ने 8 लोगों को धर दबोचा। इसके पास से घातक हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। 8 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से एक 315 बोर की राइफल, 1.22 राइफल, एक मास्केट, एक देसी कट्टा, 7.65 बोर की एक देसी पिस्तौल, एसएलआर की करीब 231 गोलियां, 0.303 की 53 गोलियां, इंसास की एक गोली, AK-47 की एक गोली तथा 21 पीस डेटोनेटर, 2 एसएलआर की मैगजीन, 7.65 mm की 6 गोलियां, करीब 220 मीटर तार, 7 मोबाइल, 1 बिंडोलिया और 15 नक्सली लेटर पैड किए गए। मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के निर्देश पर मुंगेर पुलिस की जिला सूचना इकाई द्वारा खड़गपुर, बरियारपुर, नया रामनगर थाना क्षेत्रों में माओवादियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। संग्रामपुर, खड़गपुर, कासिम बाजार, मुफस्सिल, धाड़हरा थाना अध्यक्षों की अगुवाई में पुलिस की कई टीमों द्वारा इनपुट जुटाई जा रही थी। कई गांव में पुलिस ने रेकी के बाद कार्रवाई का खाका तक तैयार कर लिया था। यही कारण है कि जिस दिन बहादुर कोरा के पास कुछ लोग हथियारों के साथ पहुंचाए जा रहे थे, उसी समय मुंगेर की पुलिस द्वारा कार्रवाई कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुंगेर में आईपीएस लिपि सिंह ने जिस तरह नक्सलियों के खिलाफ इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, इससे नक्सलियों के गढ़ में खलबली मचनी तय है।
रिपब्लिकन न्यूज मुंगेर। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।